हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है, पिक्चर, जिसमें एक आउल बिस्तर पर सोया है। टेबल है, टेबल पर बॉल बैग रखा हुआ है। टेबल के नीचे एक कुत्ता और गिफ्ट नज़र आ रहा है। आपको मैं नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें खाली जगह ब्लैंक्स दी गई हैं, उसमें प्रीपोजिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज वर्ड्स बताऊंगा। प्रीपोजिशंस कहते हैं उन अल्फाजों को जो लफ्ज को कनेक्ट करता है ज़्यादा मालूमात देने के लिए, सिमत बताने के लिए और उसका वक्त बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस लिखा है द आउल इज ब्लैंक द बेड। तो आउल बिस्तर के ऊपर सोया हुआ है, तो ऑन लिखेंगे हम। आइए लिखते हैं, द आउल इज ऑन द बेड। तो ये लिख दिया हमने ऑन। नेक्स्ट देखिए, द बॉल इज ब्लैंक द टेबल। बॉल भी आपको जो नजर आ रहा है वो भी टेबल के ऊपर है। तो यहां पर हम लिखेंगे ऑन ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, द गिफ्ट इज ब्लैंक द डॉग। तस्वीर में आपको गिफ्ट डॉग के पीछे रखा हुआ नजर आ रहा है, तो पीछे को कहते हैं बिहाइंड। यहां लिखेंगे हम बिहाइंड, द गिफ्ट इज बिहाइंड द डॉग। फोर्थ नजर आ रहा है आपको, द डॉग इज ब्लैंक द टेबल। डॉग जो है टेबल के नीचे है, तो नीचे को अंडर कहते हैं इंग्लिश में। द डॉग इज अंडर द टेबल, UNDER, अंडर द टेबल। नेक्स्ट देखिए, द बॉल इज ब्लैंक द बैग। बॉल जो है नजर आ रहा है बैग के बाजू में नजर आ रहा है आपको, या करीब नजर आ रहा है, तो हम इसको बाजू में लिखेंगे या उसके बाद नजर लिखेंगे। जो बॉल है वो बैग के बाद है, तो उसे नेक्स्ट टू कहते हैं। द बॉल इज नेक्स्ट टू द बैग। इस तरह फिफ्थ नंबर पर है, द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द बेड। कैट जो है बिस्तर के पीछे छुप रही है, तो यहां हम लिखेंगे बिहाइंड
कैट द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द बेड. लास्ट है द बैग इज ब्लैंक द टेबल. बैग जो है वो टेबल के ऊपर है, तो यहाँ पर ऑन लिख सकते हैं या ओवर भी लिख सकते हैं ऊपर. हम यहाँ ऑन लिखते हैं. द बैग इज ऑन द टेबल. कुछ सेंटेंस इसमें ऐसे हैं जिसके लिए और दूसरे अल्फाज भी हम लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पर बॉल और बैग, जैसे द बैग इज नियर द बॉल, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं. या द बॉल इज बिहाइंड द बैग, बैग के पीछे. ऐसे कुछ अल्फाज हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो ये था हमारा आज का प्रीपोजिशंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं लेसन. उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा. इसे आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद लिखिए. थैंक यू वेरी मच.